कई बार हमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय फिक्स साइज और फिक्स डायमेंशन की फ़ोटो अपलोड करनी होती है, जैसे NSDLCA PAN कार्ड अप्लाई करने के लिए 2.5x3.5 सेंटीमीटर की फ़ोटो अपलोड करनी होती है। उसी तरीके से UTI से पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए 213x213 पिक्सल की फ़ोटो अपलोड करनी होती है। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको मोबाइल से बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना फ़ोटो को रिसाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अपने मोबाइल से फ़ोटो सिग्नेचर और फाइल को रिसाइज करने के लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप कैमरा पर क्लिक करके आप फ़ोटो को भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, या आप गैलरी में जाके इसमें गैलरी से भी फ़ोटो को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंच का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे UTI से पैन कार्ड बनाने के लिए हमें पिक्सल में फ़ोटो मांगा जाता है, तो हम यहाँ फ़ोटो पिक्सल को चूज करके फ़ोटो अपलोड करेंगे। जैसे जहाँ भी हो गैलरी में चूज कर लेंगे, गैलरी में से जहाँ भी फ़ोटो हो, फ़ोटो को इस तरीके से हम चूज कर लेंगे और यहाँ से इसको हम इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए कि फ़ोटो इस तरीके से मेरा इसमें आ गया है। जैसे UTI से फ़ोटो मांगा जाता है हमको 213x213 का, तो हम यहाँ पिक्सल चूज कर लेंगे और यहाँ पर हम 213x213 को हम इस तरीके से चूज कर लेंगे। विड्थ और हाइट इस तरीके से 213x213 हमको UTI से पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए मांगा जाता है, तो इस तरीके से हम फ़ोटो को चूज कर लेंगे। अब इस तरीके से आप फ़ोटो को छोटा बड़ा भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से जितना भी बड़ा चाहे छोटा बड़ा फ़ोटो को इस तरीके से आप कर सकते हैं ऐसे। चलिए हम इस तरीके से फ़ोटो को रहने देते हैं। इसके बाद सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, या यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर डाउनलोड पर जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपका फ़ोटो जो है डाउनलोड होकर गैलरी में चल गया है। चलिए हम आप बात करते हैं कि हम सेंटीमीटर में, जैसे NSDL से पैन कार्ड बनाने के लिए हमें सेंटीमीटर में फ़ोटो को मांगा जाता है, तो हम सेंटीमीटर में फ़ोटो को किस तरीके से इसमें इंसर्ट करेंगे। चलिए हम फ़ोटो को इंसर्ट कर लेते हैं, तो इसके लिए हम गैलरी वाले को चूज कर लेंगे। इस तरीके से गैलरी से फ़ोटो को चूज कर लेंगे। अब जैसे NSDL से हमें पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सेंटीमीटर में मांगा जाता है, तो हम सेंटीमीटर को चूज कर लेंगे और यहाँ पे आपको मांगा जाता है 2.5x3.5, तो हमको विड्थ चूज कर लेना है 2.5 इस तरीके से, और यहाँ पे हमको जो हाइट में चूज कर लेना 3.5, तो इस तरीके से आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका साइज जो था 3.5 KB जो अब हो चुका है 9 KB, तो इस तरीके से आप इस तरीके से इसको घुमा फिरा भी सकते हैं फ़ोटो को, और या तो इस तरीके से फ़ोटो को आप रख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ शेयर वाला ऑप्शन है, शेयर वाले ऑप्शन में जाकर इसको आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ डाउनलोड वाले पर क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब चलिए हम जैसे अपने सिग्नेचर को रिसाइज करना चाहते हैं, तो इसको हम इसके लिए हम क्या करेंगे, आप अपने सिग्नेचर को रिसाइज कम करने के लिए कैमरा पर आप जाएंगे, जहाँ भी आप अपना सिग्नेचर करके रखे हुए हैं इस तरीके से आपको यहाँ फ़ोटो क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे ओके का आ जाता है, यहाँ से ओके कर लेना है, और ओके करते ही आपका जो यहाँ पर देखिए इंसर्ट हो चुका है। इसका रिसाइज आप इस तरीके से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको इस तरह से घुमा फिरा भी सकते हैं। चलिए हम इतना ही रहने देते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पर कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका जो है 253 MB का था, तो ये 231 MB का हो चुका है। इसके बाद यहाँ से इसका विड्थ कम कर लेते हैं, क्योंकि इसका विड्थ मांगता है 200, तो मैं यहाँ से 200 और यहाँ से इसका जो हाइट हम कर देते हैं 100। तो इस तरीके से आपको भी कर लेना है। यहाँ पर देखिए जो इसका विड्थ और हाइट इस तरीके से कम हो गया है, और इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। इसको आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, इसको गैलरी में सेव कर लेते हैं। तो ये मेरा गैलरी में सेव हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए गैलरी में मेरा यहाँ इमेज है इस तरीके से, मैं जो सिग्नेचर को रिसाइज कम किया हूँ। मोर पर जाएंगे, मोर पर जाने के डिटेल पर जाएंगे, डिटेल पर जाने के बाद इसका आप डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि इसका जो है साइज जो है 7 KB का है, जो वहाँ पर 2.MB का था, तो इसका जो रिसाइज होकर यहाँ पर 7 MB का हो चुका है। तो समझ सकते हैं कितना परफेक्ट और कितना शानदार ये जो है एप्लीकेशन है।
कि हम फोटो का रिसाइज कैसे कम करेंगे। जैसे हमें फ़ोटो का साइज कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने में चूज फोटो का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ जाके चूज फोटो पर जाके जहाँ भी आपका फोटो है इस तरीके से फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका साइज है 0.3 MB। चलिए हम यहाँ पर 20 KB कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको KB चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ स्टार्ट वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कंप्रेस फाइल यहाँ 18 KB का हो चुका है, जो यहाँ पे 3 MB का था, 0.3 MB। तो इस तरीके से आप को भी फोटो का भी साइज कम कर सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना कि किस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन से कोई भी पिक्चर का रिसाइज कैसे कम कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।